यस चॉइस एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और सबका सम हमें वेक्टर ओ एस के बराबर प्रूव करना है। देखिए पहले हमने क्या किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का सम निकाला, तो यहाँ लिखूंगा मैं ओ क्यू। ओ क्यू इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिंपली सब समझ गए, ये वेक्टर का साइन है, ठीक है। चलिए ये भी आ गया और ये वेक्टर सी दे रखा है। ओ एस, ओ एस इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू एस, ओ से क्यू तक का वेक्टर प्लस क्यू से एस तक का वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर ये अपने डिफाइन किया, ए प्लस बी वेक्टर ए कंबाइंड आ गया और प्लस सी ये आ गया ओ एस इक्वल टू इक्वेशन नंबर, इसको मैंने टू कह दिया। मतलब पहले मैंने ए और बी वेक्टर का सम फाइंड किया, फिर ए और बी के सम के साथ सी का फाइंड किया, क्लियर। अब तीसरे नया आइडिया अलग आइए। अब देखिए ओ क्यू एस इसमें देखते हैं, सॉरी पी क्यू एस, पी क्यू एस में आते हैं, ये पी एस कितना होगा, पी एस वेक्टर पी एस इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बी प्लस सी क्योंकि इन दोनों का रिलेटिव बनाया है मैंने, ठीक। तो अब ये पैंट बन गया ओ पी एस, इसमें से पी एस इक्वल टू कितना आएगा, ओ पी प्लस पी एस, पी एस और पी एस का वैल्यू फाइंड किया है तो क्या आएगा, ये ओ से पी का वैल्यू है ए प्लस पी एस का वैल्यू है बी प्लस सी। ये देखिए सिंपल है, कोई ऐसी परफेक्ट चीज नहीं है, क्या फाइंड किया हमने पी एस, सॉरी ओ पी प्लस पी एस, ये मैंने ओ एस फाइंड किया, ओ एस इक्वल इक्वेशन नंबर कहा मैंने इसको थ्री। देखिए ओ एस इक्वल टू ए बी प्लस सी, ओ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, कंपेयर इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या आएगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया, इसे कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इसका चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लें, मैं इसे रफ कर रहा हूं, आगे चलते हैं, ठीक है। इसी का सिमिलर दूसरा एक और है, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए कैसे है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, चलिए कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये प्रूव करना है। तो देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी और दोनों का रिजल्टेंट ले लिया ए प्लस बी, ठीक। इसी का मैं थोड़ा सा एक ही पैरेललोग्राम बना लेता हूं, ये तो ये बी वेक्टर है तो ये भी कितना होगा बी वेक्टर, ये वेक्टर है इट इज ऑल्सो वेक्टर ए, ऊपर वाले ओ पी क्यू और इसको कहा मैंने पी डैश, तो पहले वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ पी क्यू से ट्रायंगल ओ पी क्यू में आएगा ओ पी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे ट्रायंगल में आओ, इस ट्रायंगल में आएगा ओ पी डैश क्यू, यानी इट इज ऑल्सो ओ पी इक्वल टू कितना आएगा b प्लस ए, वेक्टर b प्लस वेक्टर a, तो दोनों को इक्वल कर लीजिएगा, क्या आएगा a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, ठीक। दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर। ये हम दो से तीन चीजें आपको दे चुके हैं, ठीक है। मैं अगला एक छोटा सा टर्म है उस पर और आ रहा हूं।
इसे कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे होगा पॉलीगन लॉ? देखिए सिंपल, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये सब अलग अलग वेक्टर है, वेक्टर बी, वेक्टर ए, और यहां से ये मैंने सिंपल ले लिया ओ पी क्यू आर और एस। तो हमें ओ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से एक वेक्टर ए सीधा डाला, ये सब वेक्टर है, सब पर वेक्टर के साइन ऐसे करेंगे और यहां से वेक्टर का साइन आ गया, ये वेक्टर है। तो पहले मैंने क्या किया, ओ क्यू निकाल दिया, ओ क्यू, ओ क्यू कितना आएगा बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए और बी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया ए, ए प्लस बी है, ठीक। अब क्या किया इसके बाद, मैंने यहां से सीधा रिजल्टेंट निकाल दिया ओ आर, तो आर के लिए ए भी तो आ गया और सी आ गया, ओ आर इक्वल टू कितना आ गया, पहले तो ये वेक्टर फिर ये वेक्टर, यानी वेक्टर ए प्लस बी ए ब्रैकेट में प्लस वेक्टर सी, सब पर वेक्टर मार दूंगा, इसको कहा इक्वेशन फर्स्ट, इसको कहा इक्वेशन सेकंड, यहां तक पहुंच गए। अब ये वेक्टर डी आ गया और ये कितना था, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो फिर देखिए ओ एस इक्वल टू आएगा ओ आर प्लस आर एस, ओ आर का वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी प्लस आर एस को कहेंगे डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हमारे पास में ओ एस इक्वल टू होगा, ठीक है। इसे कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसका पीडीएफ आपको भेज रखा है, इस पीडीएफ में आपके पास में कॉम्यूटेटिव लॉ बता दिया, एसोसिएटिव लॉ बता दिया और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता दिया। अब मैं आपको इसका असाइनमेंट और पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, आप उससे देख लें, कुछ सॉल्यूशन एग्जाम्पल मैंने किए हैं, कुछ आपके पास में अनसॉल्वड एग्जाम्पल, ओके, थैंक यू।